पहले जो अंडरवर्ल्ड वो डी कंपनी हो, छोटा राजन हो या कोई हो, उनका क्राइम जो है वो बॉम्बे तक सीमित रहता था और ये माना जाता था कि ये बॉम्बे की प्रॉब्लम है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं इस तरफ सोचा कि आखिर शूटर वेपन्स तो यूपी से ही जा रहे हैं, बिहार से ही जा रहे हैं, ये कभी ना कभी तो फिर यहां भी अपने पैर जमाएगी। मुन्ना बजरंगी से हम लोगों की दिल्ली में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी और उसका एक साथी जतिन गुजर दोनों मारे गए। उन दोनों की डेड बॉडी लेके हम और हमारे सीनियर थे तेवतिया जी उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मोर्चरी में चूंकि बिल्कुल 100% ये था कि दोनों डेड हो चुके हैं, उनको मोर्चरी में डाल के ताला लगा के कि अब पोस्टमार्टम उनका होगा और वापस आ गए। 20-25 मिनट बाद मैसेज आया कि वो मुन्ना बजरंगी जिंदा है और वो ऑन बेड है और उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। दयानायक बहुत जूनियर है और बहुत अच्छा लड़का है और मेरी रिस्पेक्ट भी करता है और प्रदीप शर्मा ने भी अपने समय में किया, अच्छा नाम कमाया इन लोगों ने, अच्छे लोग हैं, ठीक है। हिंदुस्तान से फेक करेंसी गायब हो जाए, वो भी गायब हो गई। एक प्रयास और किया गया तो टेरर घटनाएं ख़त्म हो जाए, तो भी 2009 या 10 के बाद से आपको नहीं मिली होगी। अब तरीके क्या थे, कैसी पुलिसिंग थी? यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम पुलिस अफसरों की जिंदगी पर तमाम फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन इस बार सीरीज एक ऐसे इंस्पेक्टर की बन रही है जिसने उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड के पैर पसारते जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया था। इंस्पेक्टर का नाम है अविनाश मिश्रा और फिल्म का नाम भी है अविनाश। हमारे साथ अविनाश जी खुद ही हैं। सर, ये फिल्म की कहां से आप लोग रियल सुपर कॉप और रियल लाइफ में सुपर कॉप होने जा रहे हैं, कौन सी ये फिल्म है, किस तरीके से, कहां से शुरुआत हो गई है? ये ना तो मेरा कोई इरादा था ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा और कोई सीरीज बनेगी मेरे नाम से। दरअसल मेरे बेटे ने कुछ ऐसी चीजें देखी कि जो मुझको शायद डिपार्टमेंट से नहीं मिल पा रही थी, नेम फेम और लोग आपके बारे में जान नहीं पा रहे थे। जान तो रहे थे लेकिन बच्चों को लगता है ना कि जो होना, जैसे मेरा प्रमोशन मुझको टाइम से नहीं मिला, मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। जैसे मेरी सिक्योरिटी 2003 में मुझे वाई श्रेणी मिली थी, 14 में मेरी हटा ली गई पता नहीं किन कारणों से। तो एक घर का और समाज का एक बिल्कुल माहौल ही चेंज हो गया। तो उसको लगा तो उसने एक अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड कराया, फाइनेटिक मीडिया। और मेरे दोस्त नीरज पाठक छोटे भाई की तरह हैं, तो अंकल उनको बोलता था। नीरज पाठक हमारी कहानी किससे सुनते रहते थे फुर्सत में जब बॉम्बे जाया करते थे, तो उन्होंने आपस में बातचीत की, उन्होंने कहीं बनाते हैं हम लोग मिलकर, और वहां से ये शुरुआत हुई। फिर नीरज पाठक जी ने जियो वालों से संपर्क किया, बात हुई। रणदीप हुड्डा मेरी भी चॉइस रही है, पहले अच्छा कलाकार है तो ये था कि रणदीप हुड्डा को लाया जाए भाई इसमें, बस। तो रणदीप हुड्डा अविनाश मिश्रा बने? यस जी। और रणदीप हुड्डा ने बहुत मेहनत की है, नीरज पाठक ने बहुत मेहनत की है, आप देखेंगे सीरीज तो आनंद आएगा आपको। रियल लाइफ के और रियल लाइफ के अविनाश मिश्रा में अगर हम बात कर रहे हैं रियल अविनाश मिश्रा की, तो उसने किस तरीके के, मतलब मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर हो, शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो या फिर अंडरवर्ल्ड का उत्तर प्रदेश में नेटवर्क, सभी को ध्वस्त किया, कहां पे सबसे ज्यादा चैलेंज नजर आया आपको? देखिए, चैलेंज तो हर कदम पर है। बहुत से चैलेंज आपकी अपनी पुलिसिंग के तरीके से वो खत्म किए जा सकते हैं, और आपका काम करने का तरीका, आपकी टीम, आपकी लीडरशिप, तो इन सब चीजों से बहुत मदद मिलती है, अच्छे से अच्छे चैलेंज का सामना किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो काम कर रहे हो वो निष्पक्ष होकर करिए। आप पे कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपने इसके कहने से किया, उसने कहने से किया, तो आप खुद भी टूटोगे और आपकी इमेज भी टूटेगी, तो फिर आपको खतरे ही खतरे नजर आएंगे। एक सवाल ये कि एक आपके टाइम पे एक ऑपरेशन हुआ मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर,
लेकिन वो एनकाउंटर में मुन्ना बजरंगी जिंदा बच गया और आप लोग तो लेकर के उसकी लाश को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच गए और बड़ा बवंडर मचा था। क्या था वो घटनाक्रम? वो दरअसल कुछ समय पहले हम लोग आप लोगों की नजरों में हीरो हुआ करते थे और 20-25 मिनट के बाद ही वो ऐसी घटना हुई कि हम लोगों को अपने आप पे शर्म आने लगी। हुआ यूं कि मुन्ना बजरंगी से हम लोगों की दिल्ली में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी और उसका एक साथी जतिन गुजर दोनों मारे गए। उन दोनों की डेड बॉडी लेके हम और हमारे सीनियर थे तेवतिया जी उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मोर्चरी में क्योंकि बिल्कुल 100% ये था कि दोनों डेड हो चुके हैं, उनको मोर्चरी में डाल के ताला लगा के कि अब पोस्टमार्टम उनका होगा और वापस आ गए। 20-25 मिनट बाद मैसेज आया कि वो मुन्ना बजरंगी जिंदा है और वो ऑन बेड है और उसको ग्लूकोज चढ़ा। तो बड़ा शॉकिंग हुआ। तो उसके बाद कैसे हो गया, आप लोग चूक गए मतलब क्या गोली? देखिए चूके नहीं चूके ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कोई सांस तो रही होगी उसके अंदर जीने की जो ऊपर वाले ने उसको दे रखी थी कुछ दिन के लिए, और वो बच गया। आज दो माफियाओं के बहुत बड़े नाम होते हैं, मुख्तार अंसारी और रतीक अहमद। मुख्तार अंसारी और रतीक अहमद से भी आपका सबका पड़ा कोई घटना ऐसी याद हो दोनों माफियाओं से लेकर के? देखिए मेरा खूब सामना हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, लेकिन इरादे बुलंद रहे हैं इसलिए रिजल्ट भी ठीक रहे हैं, वो इतिहास बता देगा। आपने मऊ में उसकी कार्बाइन पकड़ ली थी मुख्तार अंसारी ने उस समय पर, यहाँ पे लखनऊ में आकर के बवाल काटा, फिर आपका ट्रांसफर भी हो गया था शायद। वो लड़के थे जो पकड़े गए थे और उन्हीं की शोर सिफारिश में कुछ हुआ था और कोई बात नहीं, अच्छी जगह आ गए, त्रिप्रकाश को मारने का सौभाग्य मिला। श्रीप्रकाश शुक्ला से भी सब आमना सामना हुआ? हाँ दो तीन बार हुआ, मेरा नेपाल में हुआ और बिहार में हुआ और एक बार लखनऊ में भी हुआ, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि बस दूर दूर से ही रहा और ऐसी परिस्थितियां रही कि ना तो हमारी तरफ से कोई प्रयास किया गया और ना उसकी तरफ से कोई प्रयास किया गया, गोली नहीं चल पाई, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही। यूपी पुलिस और यूपी के लोग तो आपको अविनाश मिश्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वो गुरुजी कहती है, तो ये गुरुजी कहां से नाम आ गया? वो दरअसल मेरे साथ के जो लड़के रहते थे जिनको मैं सिखाता था आगे, उनको बताता था कैसे ऑपरेशन करना क्या, वो मेरे लड़के मेरे साथ बॉम्बे जाया करते थे और वो उनकी जवान में ये शब्द बिल्कुल रट सा गया था। तो जब बॉम्बे पुलिस के स्टाफ से वो लोग बात करते थे तो कहते गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी ने वो करना, गुरुजी करना, तो वहां के स्टाफ में भी वही चीज उनके आ गई, गुरुजी। वो फिर वो ऐसी फैली बीमारी की तरह आज आपके सीरीज में भी है। दया नायक और प्रदीप शर्मा दो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया कि तमाम फिल्में भी बनी, इन लोगों से मतलब कहा जाए कि आपके कैसे रिश्ते, क्या कैसे देखते, कौन प्रोफेशनली ज्यादा बेहतर है, क्या है? देखिए अब ये तो कहना मुश्किल होगा कौन प्रोफेशनली अच्छा है। दया नायक बहुत जूनियर है और बहुत अच्छा लड़का है और मेरी रिस्पेक्ट भी करता है, और प्रदीप शर्मा ने भी अपने समय में किया, अच्छा नाम कमाया इन लोगों ने, अच्छे लोग हैं, ठीक है, बढ़िया। एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक टाइम था जब यहां के लड़के शूटर सप्लाई स्टेट हुआ करता था, आपने उस नेक्सस को तोड़ा, कैसे तोड़ा? और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया कि मुंबई की कई घटनाओं को यूपी में बैठ करके आपने रुकवा दिया। देखिए क्या है कि पहले जो अंडरवर्ल्ड वो डी कंपनी हो, छोटा राजन हो या कोई हो, उनका क्राइम जो है वो बॉम्बे तक सीमित रहता था और ये माना जाता था कि ये बॉम्बे की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं इस तरफ सोचा कि आखिर शूटर वेपन्स तो यूपी से ही जा रहे हैं, बिहार से ही जा रहे हैं, ये कभी ना कभी तो फिर यहां भी अपने पैर जमाएगी। तो एक शुरुआत की गई
और वो शुरुआत काफी सफल रही। आज आपके सामने अंडरवर्ल्ड का यूपी में कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह का एक प्रयास और किया गया था कि यूपी क्या हिंदुस्तान से फेक करेंसी गायब हो जाए, वो भी गायब हो गई। एक प्रयास और किया गया था टेरर घटनाएं खत्म हो जाए, तो भी 2009 या 10 के बाद से आपको नहीं मिली होगी। अब तरीके क्या थे, कैसी पुलिसिंग थी, और इन सारे जो खात्मे हैं उसमें अविनाश मिश्रा ये हर ऑपरेशन में रहे लगभग। हाँ, मेरे ऑपरेशन रहे, लेकिन मेरी टीम, मेरे साथ के लड़के, मेरे सीनियर अफसर जो थे वो सब उनकी सपोर्ट से हुआ। देखिए, मैंने फिर कहता हूँ, लीडर अगर बढ़िया है, इस तरह के कामों में, ऑपरेशंस में, इतने जोखिम भरे कामों में लीडर चाहिए, बॉस नहीं चाहिए। लीडर चाहिए, बॉस नहीं, यही अविनाश मिश्रा की सफलता का कारण है। और आज उसी सफलता को देखते हुए रियल लाइफ यानी कि रुपहले पर्दे पर अविनाश मिश्रा की जिंदगी को उतारा जा रहा है।